हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लो पॉइंटर। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिल्ली जुडिशियल सर्विस का एग्जाम बहुत पास आ चुका है और टाइम बहुत ही कम बचा है, सो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ लिमिटेशन एक्ट 1963 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये है पार्ट वन और मैं आज ही पब्लिश करूँगा पार्ट टू भी। सो फ्रेंड, इन क्वेश्चन को आप ट्राई करिएगा, राइट डाउन कर ले, राइट डाउन करने से आपकी जल्दी याद भी रहेगा और आपके अच्छे नोट्स भी बन जाएंगे। सो फ्रेंड, आइए चलते हैं क्वेश्चन पर। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। आइए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, इस वीडियो में मैंने कवर किया 35 क्वेश्चन, जिसमें कि 30 क्वेश्चंस मैंने रिटर्न फॉर्म में किया और 5 क्वेश्चंस मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, उनको मैं किसी रीजन से लिख नहीं पाया हूँ। सो आप फ्रेंड्स उनको ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको क्वेश्चन या आंसर समझ में आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उस क्वेश्चन का आंसर भी पूछ सकते हो, और क्वेश्चन भी समझ में आया तो क्वेश्चन भी टाइप कर सकते हैं जो 30 के बाद क्वेश्चन उन सभी को। सो आइए फ्रेंड, चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन इज बेसिकली द लॉज ऑफ लिमिटेशन आर फाउंडेड ऑन, यानी कि जो लॉज ऑफ लिमिटेशन है वो बेसिकली कहाँ फाउंड होता है, वो होता है पब्लिक पॉलिसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सिक्योर्ड बाय द लॉ ऑफ लिमिटेशन, यानी कि लॉ ऑफ लिमिटेशन द्वारा क्या सिक्योर किया जाता है, तो वो किया जाता है प्राइवेट जस्टिस, इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट एंड पब्लिक ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मैक्सिम रिप्रेजेंट द लॉ ऑफ लिमिटेशन, यानी कि लॉ ऑफ लिमिटेशन को कौन से मैक्सिम रिप्रेजेंट करते हैं। तो फर्स्ट है इसमें इंटरेस्ट रिपब्लिकाई उट सिट फिनिश लेटम, इंटरेस्ट रिपब्लिकाई उट सिट फिनिश लेटम। और नेक्स्ट है विजिलेंटिबस नॉन डोरमेंटिबस जुरा सब्वी नुएंट, यानी कि विजिलेंटिबस नॉन डोरमेंटिबस जुरा सब्वी नुएंट। नेक्स्ट है स्टेट्यूट्स ऑफ लिमिटेशन आर नोन एज, यानी कि जो स्टेट्यूट है लिमिटेशन उसको और किसी नाम से भी जाना जाता है, तो वो जाना जाता है स्टेट्यूट्स ऑफ रिपोज एंड स्टेट्यूट्स ऑफ पीस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लिमिटेशन एक्ट 1963 अप्लाइज टू, यानी कि 1963 का लिमिटेशन एक्ट है वो अप्लाई होता है प्रोसीडिंग्स बिफोर द कोर्ट्स पर। फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉ ऑफ लिमिटेशन लिमिट्स, यानी कि लॉ ऑफ लिमिटेशन क्या लिमिट करता है, द टाइम आफ्टर विच अ सूट एटसेट्रा कैन नॉट बी मेंटेन्ड इन कोर्ट, यानी कि लॉ ऑफ लिमिटेशन लिमिट करता है टाइम को जिसके बाद सूट या फिर कुछ भी मेंटेन नहीं हो सकता है कोर्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिटेशन एक्ट अप्लाइज टू, इसमें ऑप्शन आएंगे सिविल सूट या फिर क्रिमिनल, या फिर सिविल सूट्स एज वेल एज क्रिमिनल। सो इसमें है ओनली सिविल सूट्स, यानी कि लिमिटेशन एक्ट जो अप्लाई होता है वो सिविल सूट्स पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर नो पीरियड इज प्रेस्क्राइब्ड फॉर एक्सरसाइज ऑफ पावर इन स्टेट्यूट लाइक लिमिटेशन एक्ट, सच पावर मस्ट बी एक्सरसाइज, यानी कि अगर कोई पीरियड प्रेस्क्राइब नहीं है स्टेट्यूट यानी कि लिमिटेशन एक्ट में, इसी तरह के किसी एक्ट में मेंशन नहीं है टाइम पीरियड, सो जो पावर है वो कैसे एक्सरसाइज की जाएगी, तो वो की जाएगी विद इन रीजनेबल टाइम, यानी कि रीजनेबल टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जम्पशन आउटसाइड द लिमिटेशन एक्ट, यानी कि अगर लिमिटेशन एक्ट के बाहर से कोई एग्जम्पशन है तो वो होगी कैन नॉट बी ग्रांटेड बाय कोर्ट बाय यूजिंग इट्स डिस्क्रेशन, यानी कि वो यूज नहीं की जा सकती है और जो कोर्ट है उसको ग्रांट नहीं कर सकता एज अ डिस्क्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गुड फेथ अंडर द लिमिटेशन एक्ट इम्प्लाइज ड्यू केयर एंड अटेंशन, इट बिकम्स रिलीवेंट वैन द क्वेश्चन इज वेदर, यानी कि गुड फेथ लिमिटेशन एक्ट में इम्प्लाई करती है ड्यू केयर और अटेंशन को, इट बिकम्स रिलीवेंट यानी कि वो रिलीवेंट बन जाती है जब कोई क्वेश्चन आता है द लिमिटेशन पीरियड शुड बी एक्सटेंडेड और नॉट, यानी कि लिमिटेशन पीरियड एक्सटेंड होना चाहिए नहीं होना चाहिए, एंड द डिले ऑन द पार्ट ऑफ पार्टी शुड बी कंडोन्ड और नॉट, यानी कि जो डिले है पार्टी के पार्ट पे वो कंडोन होना चाहिए और नहीं होना चाहिए। सो नेक्स्ट है पीरियड ऑफ लिमिटेशन मीन्स, यानी कि पीरियड ऑफ लिमिटेशन मीन्स है प्रेस्क्राइब्ड फॉर एनी सूट अपील और एप्लीकेशन बाय द शेड्यूल टू द लिमिटेशन एक्ट, यानी कि जो शेड्यूल लिमिटेशन एक्ट के द्वारा प्रेस्क्राइब्ड किया गया किसी सूट अपील और एप्लीकेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 3-11 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट डील्स विद द लिमिटेशन ऑफ, यानी कि जो सेक्शन 3-11 है लिमिटेशन एक्ट के वो किन से डील करते हैं लिमिटेशन की, सूट्स अपील्स एंड एप्लीकेशन से। नेक्स्ट है द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 3 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1963, यानी कि जो प्रोविजन है सेक्शन 3 ऑफ लिमिटेशन एक्ट वो क्या है, मैंडेटरी है, ऑप्शनल है, डिस्क्रिशनरी है, क्या है, तो वो है मैंडेटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पार्टीज कैन नॉट, यानी कि द पार्टीज क्या नहीं कर सकती है, बाई कंसेंट और एग्रीमेंट एक्सटेंड और अल्टर द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, यानी कि कंसेंट से या फिर एग्रीमेंट से टाइम पीरियड को लिमिटेशन के एक्सटेंड या अल्टर नहीं कर सकती है, वेव और कॉन्ट्रैक्ट देमसेल्व्स आउट ऑफ द लॉ ऑफ लिमिटेशन। नेक्स्ट है द डिफेंडेंट मे बी अलाउड टू रेज द पॉइंट ऑफ लिमिटेशन, यानी कि डिफेंडेंट जो है वो अलाउ हो सकता है पॉइंट ऑफ लिमिटेशन को रेज करने के लिए, कब हो सकता है, एट एनी स्टेज ऑफ सूट और प्रोसीडिंग, यानी कि प्रोसीडिंग या सूट की किसी भी स्टेज पर, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन अपील, यानी कि अपील में फर्स्ट टाइम।
फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है 16, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप प्ली ऑफ लिमिटेशन इज है, यानी कि एक प्ली ऑफ लिमिटेशन है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ काउंटर क्लेम और अ क्लेम बाय वे ऑफ सेट ऑफ इज टू बी रिगार्डेड एज, यानी कि जो काउंटर क्लेम और क्लेम बाय वे ऑफ सेट ऑफ होता है उसको रिगार्ड किया जाता है सेपरेट सूट, यानी कि सेपरेट सूट की तरह उसको रिगार्ड किया जाएगा। नेक्स्ट है विच सेक्शन ऑफ द लिमिटेशन एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द एक्सटेंशन ऑफ टाइम ओवर डेट पीरियड ड्यूरिंग विच अ पर्सन इज डिलेड बाय द कोर्ट सेक्शन, यानी कि कौन सा सेक्शन लिमिटेशन एक्ट का प्रोवाइड करता है एक्सटेंशन ऑफ टाइम ओवर डेट पीरियड ड्यूरिंग, जिसके ड्यूरिंग में कोई पर्सन डिले हो जाता है कोर्ट्स के एक्शन से, तो वो है सेक्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेयर द प्रेस्क्राइब पीरियड फॉर एनी सूट अपील और एप्लीकेशन एक्सपायर्स ऑन अ डे व्हेन द कोर्ट इज क्लोज, यानी कि अगर कोई प्रेस्क्राइब पीरियड दिया गया है सूट अपील और एप्लीकेशन द्वारा और वो एक्सपायर हो जाता है जिस दिन कोर्ट क्लोज है, सो क्या होगा, देन द सूट अपील और एप्लीकेशन में बी इंस्टीट्यूटेड प्रीफर्ड और मेड ऑन द डे व्हेन द कोर्ट रीओपन, यानी कि फिर जो सूट है अपील है एप्लीकेशन है उसको इंस्टीट्यूट किया जा सकता है जिस दिन कोर्ट ओपन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 5 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट इज एन एक्सेप्शन टू द जनरल रूल कंटेंट इन, यानी कि सेक्शन जो 5 है लिमिटेशन एक्ट का वो एक जनरल रूल का एक्सेप्शन है जो कि दिया गया है सेक्शन 3 बार ऑफ लिमिटेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिले इन फाइलिंग द सूट, यानी कि अगर सूट को फाइल करने में डिले हो जाता है दैट इज कैन बी कंडोन्ड अंडर सेक्शन 5 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1963, यानी कि अगर कोई डिले हो जाता है फाइलिंग सूट करने में तो फिर उसको कंडोन किया जा सकता है अंडर सेक्शन 5 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 5 इज एप्लीकेबल टू, यानी कि सेक्शन 5 जो है वो एप्लीकेबल होता है अपील्स एंड एप्लीकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पार्टी वू प्रेस फॉर कंडोनेशन ऑफ डिले अंडर सेक्शन 5, यानी कि अगर कोई पार्टी प्रे करती है कंडोनेशन ऑफ डिले अंडर सेक्शन 5 में तो उसको एस्टेब्लिश करना पड़ेगा ही वाज विजिलेंट, यानी कि वो विजिलेंट था, नो नेग्लिजेंस ऑन इस पार्ट, यानी कि उसके पार्ट पे कोई नेग्लिजेंस नहीं था, नो लैक ऑफ बोनाफाइड ऑन इस पार्ट, यानी कि ना ही उसके पास नो लैक ऑफ बोनाफाइड भी उसके पार्ट पे नहीं था। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मैंने एक लीडिंग केस कवर की है सेक्शन 5 जो कि कंडोनेशन ऑफ डिले की बात करता है, उसमें मैंने 3 लीडिंग केस कवर किया, इनको आप नोट कर लीजिएगा। फर्स्ट है इसमें रामलाल वर्सेज रेवा कोल फील्ड्स लिमिटेड। दूसरा है एन बालकृष्णन वर्सेज एम कृष्णामूर्ति। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ नागालैंड वर्सेज लिपक AO, यानी कि स्टेट ऑफ नागालैंड वर्सेज लिपक AO। सो फ्रेंड यही थे 3 केसेज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेज है, लीडिंग केसेज है कंडोनेशन ऑफ डिले अंडर सेक्शन 5 में। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेक्शन 6 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1963 कैन बी अवेल्ड बाय, यानी कि जो सेक्शन 6 है लिमिटेशन एक्ट का वो अवेल्ड किया जा सकता है किसके द्वारा, प्लेंटिफ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर अ प्लेंटिफ इज अफेक्टेड बाय 2 लीगल डिसेबिलिटी और वेयर 1 डिसेबिलिटी फॉलोड बाय अनदर विदाउट लिविंग द गैप देन सूट और एप्लीकेशन में बी फाइल्ड, यानी कि जहाँ कोई पर्सन 2 लीगल डिसेबिलिटी से अफेक्टेड है या फिर कोई डिसेबिलिटी आ जाती है किसी अनदर को फॉलो करते हुए और विदाउट लिविंग द गैप, यानी कि बिना गैप के, तो जो सूट और एप्लीकेशन है वो फाइल्ड किया जा सकता है आफ्टर बोथ डिसेबिलिटीज हैव सीज्ड, यानी कि जब दोनों जो डिसेबिलिटी है वो खत्म हो जाए सीज हो जाए तब एप्लीकेशन और सूट को फाइल किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज एक्सटेंडेड बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 6, यानी कि जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है एक्सटेंडेड बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 6, यानी कि सेक्शन 6 में जो एक्सटेंडेड किया जा सकता है टाइम पीरियड वो है मैक्सिमम 3 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लीगल डिसेबिलिटी कंटेम्पलेटेड बाय सेक्शन 7 इंक्लूड, यानी कि जो सेक्शन 7 में लीगल डिसेबिलिटी कंटेम्पलेट की गई है वो इंक्लूड करती है माइनॉरिटी, IDOC और इंसैनिटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 8 इम्पोजिज अ लिमिटेशन टू द कंसेशंस प्रोवाइडेड बाय सेक्शन 6 एंड सेक्शन 7 टू अ पर्सन अंडर डिसेबिलिटी टू अ मैक्सिमम ऑफ, यानी कि जो सेक्शन 8 इम्पोज करता है लिमिटेशन को उसको कंसेशन किया जाता है प्रोवाइडेड बाय सेक्शन 6 एंड सेक्शन 7 टू अ पर्सन अंडर डिसेबिलिटी टू अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर्स फॉर द सीसेशन ऑफ डिसेबिलिटी। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्लेंटिफ वॉज डिस्पोजेस्ड सिंस 1950 एंड ही अटेंड मेजोरिटी इन जून 1960, यानी कि
किसी प्लेंटिफ को डिस्पोजेस किया गया था 1950 से और वो मेजोरिटी अटेन कर लेता है जून 1960 में, तो वो क्या कर सकता है? ही हैड टू ब्रिंग द सूट विद इन 12 ईयर्स ऑफ डिस्पोजिशन, यानी कि वो 12 साल के अंदर भी सूट ला सकता है विद इन 1962, और ही हैड टू ब्रिंग द सूट विद इन 3 ईयर्स ऑफ हिज अटेनिंग मेजोरिटी, दैट इज विद इन जून 1963, यानी कि वो अपनी मेजोरिटी अटेन करने के 3 ईयर्स के अंदर भी सूट ला सकता है। सो फ्रेंड, ये थे 30 क्वेश्चन जो मैंने रिटर्न फॉर्म में कवर किया। अब मैं आपको 5 क्वेश्चन बताऊंगा इंपॉर्टेंट जो मैंने रिटर्न में नहीं लिखे हैं, सो आप इनको भी ध्यान से सुनिएगा। अ लीडिंग केस ऑन सेक्शन 6-8 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट, यानी कि सेक्शन 6 से लेके 8 तक लीडिंग केसेस जो लिमिटेशन एक्ट के हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें फर्स्ट है कोलन दवेल वर्सेज चिनप्पन, कोलन दवेल वर्सेज चिनप्पन। नेक्स्ट है बेलोचान करण वर्सेज बसंत कुमारी नायक, बेलोचान करण वर्सेज बसंत कुमारी नायक। फ्रेंड, अगर आपको कोई आंसर समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके क्वेश्चन नंबर डाल के आप उसका आंसर मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है वेयर वंस टाइम हैज बिगन टू रन, नो सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी और इनएबिलिटी टू इंस्टीट्यूट अ सूट और मेक एन एप्लीकेशन स्टॉप्स, दिस इज लेड डाउन इन, यानी कि अगर कोई टाइम एक बार स्टार्ट हो जाता है तो कोई भी सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी या फिर इनएबिलिटी इस सूट को इंस्टीट्यूट करने की या फिर एप्लीकेशन फाइल करने की उसे नहीं रोक सकती है। तो ये किस में किया गया है? ये दिया गया है सेक्शन 9 में। नेक्स्ट है द रनिंग ऑफ टाइम अंडर सेक्शन 9 कैन बी स्टॉप्ड और द पीरियड ऑफ लिमिटेशन कैन बी एक्सटेंडेड, यानी कि जो टाइम चलता है, जो टाइम स्टार्ट हो चुका है सेक्शन 9 में, उसको स्टॉप किया जा सकता है या फिर पीरियड ऑफ लिमिटेशन को एक्सटेंड किया जा सकता है। वेयर इनजस्टिस हैज़ बीन कॉज्ड बाय एन एक्ट ऑफ कोर्ट, यानी कि जहाँ पे कोर्ट के एक्ट से कोई इनजस्टिस हो चुका है, या फिर वेयर द कोज ऑफ एक्शन वो सेटिस्फाइड, यहाँ पे कोज ऑफ एक्शन सेटिस्फाइड था, या फिर वेयर द कोज ऑफ एक्शन वॉज कैंसल्ड, यानी कि जहाँ पे कोज ऑफ एक्शन को कैंसिल कर दिया गया था। सो इन 3 केसेस में सेक्शन 9 है जो लिमिटेशन एक्ट का, उसमें रनिंग ऑफ टाइम को स्टॉप किया जा सकता है या फिर पीरियड ऑफ लिमिटेशन को एक्सटेंड किया जा सकता है। नेक्स्ट है फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, अ लीडिंग केस ऑन सेक्शन 9 इज, यानी कि सेक्शन 9 पर लीडिंग केस है शंकर लाल वर्सेज सादीराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेक्शन प्रोवाइड्स फॉर द लिमिटेशन पीरियड इन केस ऑफ सूट्स अगेंस्ट ट्रस्टीज एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि कौन सा सेक्शन प्रोवाइड करता है लिमिटेशन पीरियड किनके केस में, सूट्स अगेंस्ट ट्रस्टीज एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव, तो वो है सेक्शन 10। तो फ्रेंड, यही थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके फ्रेंड, बाय एंड टेक केयर, और मैं जल्दी लेकर आऊँगा पार्ट 2। ओके फ्रेंड, बाय एंड टेक केयर।